अपने बच्चों को राम के बारे में बताओ, बेटा आज राम नवमी है, बेटा आज राम को याद करो। आप सभी लोग अपने अपने घरों में जो आपके गोपाल जी हैं ना, वही राम है, वो राम लला है, उन्हें गोपाल जी कहते हैं। कृष्ण भक्त उन्हें कृष्ण के रूप में देखते हैं, राम भक्त इन्हीं को राम लला के रूप में देखते हैं। जो गोपाल जी होते हैं ये राम, ये तो देखो भाव की बात है कि आप किस रूप में देखना चाहते हैं। तो राम भक्तों के लिए ये राम लला है, कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण लला है। तो इनको आप लोग सुबह बढ़िया भगवान का अभिषेक करो, दूध से, दही से, घी से भगवान को स्नान कराओ, सुंदर से वस्त्र पहनाओ, और दिन के ठीक 12 बजते ही भगवान को बढ़िया जितना हो सके अपने घर में बढ़िया व्यंजन बनाओ, 56 भोग बनाओ, फल फूल, बादाम काजू, हलवा, खीर, पूड़ी सब बनाओ और राम जी का पावन भोग लगाओ। आज भगवान का भोग लगेगा। और राम नवमी के दिन जब तक राम जी का पूजन ना हो तब तक व्रत रखना चाहिए। जब तक राम जी का पूजन ना हो तब तक क्या रखना चाहिए? व्रत रखना चाहिए। और पूजन के बाद 12 बजे के बाद भोग लगाकर भगवान जी का पूजन, 12 बजते ही आरती होनी चाहिए भगवान की। सारे घरों में आरती हो, कौन सी वाली? श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम।